मीना राधिका शात्विक अभिमन्यु नेहा रंजनी संध्या पूजा मोनी काजल ज्योति खुशबू कृतिका शायरा अर्चना समृद्धि राश्री हेमा सपना शिल्पा करमवीर अदिति नूरिल केशवा मौली गुड़िया पूजा देव मित्रा में, तो पहले उसको कंप्लीट कराएंगे फिर अकबर का आगे करेंगे, क्योंकि अकबर एक बहुत बड़ा चैप्टर है। शेरशाह के उत्तराधिकारी दो पुत्र थे, पहले पुत्र का नाम था आदिल खान, दूसरा था जलाल खान। शेरशाह ने आदिल खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन आदिल खान भोग विलास में ऐसा लिप्त हुआ कि अमीरों को आदिल खान को हटाना पड़ा और जलाल खान को नियुक्त करना पड़ा। कि जलाल खान ही इस्लाम शाह के नाम से 1545 में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही पहला काम करता है आदिल को मरवा देता है, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की भी मौत हो जाती है बीमारी से। अपने भाई को जो मरवाएगा वैसा ही दंड पाएगा, लेकिन मरने से पहले इसने जो भी 8 साल तक शासन किया तो कुछ उल्लेखनीय कार्य इसने किए थे। जैसे उस समय जो भी कानून प्रचलित थे इस्लाम के आधार पे उनको संहिताबद्ध करवाया, और एक रूटीन बनाया कि हर शुक्रवार को हर जिले में दरबार लगाया जाएगा और इस्लाम शाह की आज्ञाएं सबको सुनाई जाएंगी। अपने तख्त पर जूतियां रखता था और दरबारियों से सिजदा और पावोश करवाता था। और इसके टाइम में एक मेहदवी थे, संत थे, शेख अलाई, इनको इसने मृत्युदंड दिया। मेहदवी समझते हो क्या होता है ना? मुसलमानों को एक विश्वास है कि हर युग में पैगंबर की फैमिली से एक व्यक्ति पैदा होगा और धर्म की स्थापना करेगा, न्याय को विजय दिलाएगा। ऐसे ही व्यक्ति को कहते हैं मेहदी। ऐसे ही शेख अलाई ने खुद को मेहदी घोषित किया कि मैं वही हूं। अलग अलग विश्व में अलग अलग मेहदी उत्पन्न हुए। जौनपुर में 15वीं शताब्दी में एक मेहदी उत्पन्न हुए मोहम्मद। इसने पूरे इस्लामी दुनिया का भ्रमण किया और लोगों को यकीन दिलाया कि वही वो अवतार है। फिर उत्तर भारत से दक्कन में चले गए, लेकिन इस्लाम में भयंकर विरोध हुआ इनका। परंपरावादी तक तो मेहदी संप्रदाय के उतने ही तीव्र विरोधी थे जितने ही वो शिया संप्रदाय थे। कहीं ना कहीं अकबर ने जो शुलहकुल की नीति शुरू की सर्वधर्म संभाव, उसकी दृष्टि में मेहदी आंदोलन भी था। तो शेख अलाई को इसने इस्लाम ने मृत्युदंड दिया। खैर, इस्लाम की खुद भी मौत हुई और इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी बनता है अगला फिरोज खान। गद्दी पर बैठने के 3 ही दिन बाद इसके मामा ने इसको मार डाला। मामा का नाम था मुबरिज खान और ये मामा गद्दी पर आदिल शाह के नाम से बैठा।
और ये मूर्ख के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मूर्ख, क्योंकि यह दिन भर केवल रंगरलियां मनाता था, नाचता था, गाता था और खावज बजाता था। और इसी ने हेमू नाम के बनिया को अपना सारा साम्राज्य सौंप दिया था। हेमू पहले सड़कों पर नमक बेचता था, बाद में वजीर बन गया। बदायूं ने कहता है कि दिल्ली विजय के बाद ही अपने आप को विक्रमादित्य कहने लगा था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शूर शासक था। शूर साम्राज्य इस तरह से छोटे छोटे 5 भागों में बट गया, अलग अलग जगह स्वतंत्र हो गए और एक बड़े भाग पे तो मुगलों ने अपना अधिकार किया ही। दिल्ली पर सिकंदर शाह शूर काबिज था। इसी सिकंदर शाह शूर को 12 मई 1555 ईस्वी को सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने हराया और अफगान वंश को खत्म करके भारत में फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना की। यह वही सरहिंद का युद्ध है जिसका श्रेय हुमायूं ने किसको दिया था? जिसके विजय का श्रेय दिया था अकबर को। आरपी त्रिपाठी एक इतिहासकार हैं, वह शेरशाह सूरी को अकबर का गुरु मानते हैं। अखावज और ढोलक लगभग एक है, अखावज थोड़ा लंबा होता है, ढोलक थोड़ा छोटा होता है। अखावज थोड़ा हल्का होता है, ढोलक भारी होता है। पखावज को बजा के आप नाच सकते हो, ढोलक को लेकर के ज्यादा देर आप खड़े नहीं रह सकते। और बाकी आज तो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से अकबर की पारी की शुरुआत होती है। यहां तो बात समझ में आ गई। गुड, अब आते हैं अकबर के एपिसोड में। पोल मैंने अभी कहां दिया आपको? ये अकबर के चांदी के सिक्के देखो कितने सुंदर है। अकबर के समय के विद्रोह, फारसी लैंग्वेज, उर्दू नहीं। अब्दुल्ला खान उज़्बेक की फोटो है, इसने पहला विद्रोह किया था। यह मालवा का सूबेदार था। मालवा को इसने बाज बहादुर से जीता था।
इसने मालवा में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अकबर को पता चला, अकबर ने चढ़ाई किया तो ये गुजरात भाग गया। और फिर बहादुर खां को अकबर ने मालवा का सूबेदार घोषित कर दिया। इसी के साथ पहला विद्रोह तो दबा दिया गया। दूसरा विद्रोह हुआ है जौनपुर में। अब्दुल्ला खां और दूसरे सरदारों ने मिलकर विरोध किया, विद्रोह किया, और कुछ समय में हाकिम मिर्जा ने भी विद्रोह किया। फिर खां जामा ने भी विद्रोह किया। अकबर ने इन सभी तीनों विद्रोहों का दमन किया। तीसरा विद्रोह हुआ अफगानिस्तान में, खासकर बलूचिस्तान में, बलूची और यूसुफ जई, और इसी विद्रोह को दबाने के लिए मान सिंह को भेजा गया था, बीरबल को भेजा गया पहले। 1585 में बीरबल की मृत्यु इसी विद्रोह के अंतर्गत हुई। बाद में मानसिंह और टोडरमल के द्वारा इसको दबाया गया। लेकिन इन सबसे रोचक विद्रोह था शहजादा शलीम का विद्रोह। शलीम को गद्दी पर बैठने की जल्दी थी, इकलौता बेटा था भी, सब लोग उसको अभी से युवराज युवराज कहते थे, और बड़ी मन्नतों से पैदा हुआ था। अब अकबर मरने का नाम ही नहीं ले रहा था, 10,000 का इसको मनसबदार बनाया था। अब अकबर सलीम को तो बड़ा डिप्रेशन होने लगा कि ये बुढ़ा मरेगा नहीं, काता पिता बढ़िया है, मरेगा नहीं तो गद्दी हमको मिलेगी नहीं, बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब कैसे मारेगा। तो उसकी अवज्ञा करना, अकबर की अवज्ञा करना शुरू कर दिया। दक्षिण भारत के अभियान पैक पर जा रहा था और सलीम को कहा कि तुम मेवाड़ पर आक्रमण करो, लेकिन इसने अपनी एक गर्लफ्रेंड बना रखी थी इलाहाबाद में। सेना लेके मेवाड़ निकलता था लेकिन इसका घोड़ा इलाहाबाद पहुंच जाता था। अकबर उसमें असीरगढ़ में बिजी था। उसको जब पता चला कि साहबजादे इसके लड़ाने इलाहाबाद चले गए तो उसको बड़ा बुरा लगा। उसने उसको बुलवाया, डांटा। सलीम ने सॉरी सॉरी कर दिया, माफ कर दिया। कुछ ही दिन बीते, 1601 ईस्वी में सलीम ने फिर विद्रोह कर दिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाने लगा। ये परोक्ष रूप से बादशाह की घोषणा थी, जागीरें बांटने लगा। नहीं, इलाहाबाद की आधारशिला रखी थी द्रोणाचार्य के पिता ऋषि भारद्वाज ने, उसका नाम था प्रयाग, नाम इसने बस बदला था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ को जब पूरा एपिसोड पता चला, उन्होंने नाम फिर से वही रख दिया। बिहार पर जाकर के इसने अधिकार भी कर लिया और बिहार में 30 लाख टैक्स मिलता था, इस पर अधिकार कर लिया। अकबर सुना तो दक्षिण भारत से फिर से लौटा, उसको बुलवाया और कहा कि तुमको क्या चाहते हो। सलीम ने कहा, वही तो आपको बता नहीं सकते कि क्या चाहते, बताएंगे तो आप मुझे बहुत मारोगे। अकबर ने सलीम को खुद बहुत समझाया कि बेटा अभी हमको ठीक कर लेने दो सब कुछ, सुल्तान तुम्हें बनना है, काहे तेजी मचाए हुए हो। सलीम ने कहा, पापा जी पॉकेट मनी कम पड़ जाती है, 10,000 का मनसबदार बना दिए, कुछ होता है आजकल के जमाने में 10,000 कुछ होता है, नई घोड़ी मंगाई है फारस से, 20,000 का चारा ही खा लेती। अकबर ने कहा, बेटा फारस की घोड़ी नहीं, इलाहाबाद की घोड़ी खा रही तुम्हारा चारा, और हमको सब पता है, हम तुम्हारे बाप हैं।
गलत घोड़ी पे इल्जाम ना लगाओ। और जहां तक रही पॉकेट मनी की कमी हो रही है, तो बंगाल और उड़ीसा बड़ा ज्यादा माल मिलता है वहां पे, तो बंगाल और उड़ीसा के बन जाओ सूबेदार। सलीम को थोड़ा सा आत्मा को शांति मिली। लश्कर के साथ फिर से आगरा से बंगाल की तरफ निकला, लेकिन घोड़ी फिर से मुड़ गई इलाहाबाद। बंगाल उड़ीसा भूल गया, इलाहाबाद में जाके टिक गया। अकबर को फिर पता चला, उसने कहा हद हो गई अब तो, उनकी करा। तो इसने साउथ इंडिया से कहा कि हमारे राज्य में सबसे ज्ञानी पुरुष कौन है। लोगों ने बताया अबुल फजल। कहा अबुल चाचा को बुलाओ। अबुल फजल से कहा कि बेटा तुमने तो आईने क्वेरी लिखी है, तुम्हारे ऐसा इंटेलिजेंट कौन है, तुम्हारे बारे में पढ़ाया जाएगा 21st सेंचुरी में अनअकैडमी में। अबुल फजल ने कहा सीधे सीधे बोलिए जनाब, अपना व्हाट्स द मैटर। उन्होंने कहा मेरा इकलौता बेटा, उसी को राजपाट संभालना, उसकी ये गति है, जा जाके इलाहाबाद में मुंह मारता रहता है। और उसका एक दोस्त है वीर सिंह गुंदेला, वही उसको भी काट रहा है। तुम जाओ और उनको समझाओ। अकबर ने कहा बस इतनी सी बात, समझाना ही है। कहा इतनी सी बात नहीं है, जाओगे तो पता चल जाएगा। हम पूरे हिंदुस्तान को समझा के बैठे हैं, उसको नहीं समझा पा रहे। अब अबुल फजल अपना लाओ लश्कर लेकर के चले, पीपीटी प्रेजेंटेशन बना करके कि इस उम्र में ऐसे होता है, उस उम्र में वैसे होता है, डिटेल में समझाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग देंगे। वीर सिंह बुंदेला और ये एंजॉय कर रहे थे, नाच गाना चल रहा था। किसी ने रास्ते में फोन किया कि तुम्हारे चचा अबुल फजल आ रहे हैं तुमको सबक सिखाने। अकबर जी ने भेजा है तुम्हारे पापा ने, अब तुम दोनों की खैर नहीं है। सलीम ने कहा कि भाई बुंदेला, बुंदेला ने कहा पार्टनर। कहा भाई तुम्हारे नाम में वीर लगा है, वीर होगी कि एवं पैदाइशी नाम रख लिया, वीर सिंह बुंदेला नाम से लगता है दादा सिंह की चौथी औलाद। कहा पार्टनर आप डाउट क्यों कर रहे हैं, कौन सी कहा कौन सा वीरता है जो हमने नहीं दिखाया है। सलीम ने कहा कि अभी तक तुमने दिखाया क्या है नाच गाने के अलावा, वीरता कहाँ दिखाया। कहा कि मित्र तुम्हारी बातें बहकी बहकी लग रही, बात क्या है खुल के बोलो। कहा कि हमारे अंकल जी आ रहे हैं डंडा लेकर के हमको मारेंगे, आधा रास्ता आ गए हैं। अब पापा डायरेक्ट केस में इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट इंटरफियर कर रहे हैं, तो मामला और भी मुश्किल है। और मेरी तो मत सोच, अपने होने वाली भाभी की सोच। वीर सिंह बुंदेला तुरंत अपना घोड़ा निकाले, गियर लगाए, एक्सीलरेटर दबाए, घोड़ा जब दोनों पांव उठा के मी करके दौड़ा और जाकर के डायरेक्ट 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी, हत्या कर दी डायरेक्ट। नो FIR, नो वारंट, फैसला ऑन द स्पॉट। और फिर आके बैठ करके लगे हुक्का पीने। अबुल सलीम ने कहा कि क्या कर दिया वीर, चाचा जी को समझा के वापस भेज दिए दक्षिण की तरफ। वीर सिंह ने बोला भेज तो दिए लेकिन दक्षिण की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ। अब तो सलीम के पैर उतरे जमीन की सक गई कि अब तो हमारे पापा हमको सीधे सूली लटका देंगे। वो तो पापा का बड़ा जिगरी दोस्त था, फ्रेंड फिलासफर गाइड था, उसी ने थ्योरी ऑफ प्रिंसिप बनाई थी। कहा भाई कहते तुमने ये क्या किया। देला ने कहा कि तुम ही तो वीरता वीरता कर रहे थे, तो वीरता दिखा दिए। और कैसी वीरता होती है, वीरता ऐसे ही होती है। खैर अब सलीम अपने उल्टे दिन गिनने लगा कि अब मेरी मौत का फरमान कब आएगा। फौरन वहां से पहुंचा अपनी दादी हमीदा बानो के पास। कबीर सिंह मूवी देख रहे, कबीर सिंह केवल उसकी दादी समझती उसको, सलीम को भी केवल उसकी दादी समझती थी। दादी ने सलीम को समझाया, कहा कि जा पुत्र चिंता ना करी, टेंशन ना ली, जाके उनके बीच माफी मांग लो। साडा कबर तो बिल्कुल नारियल वर्गी है, नारियल वर्गी, ऊपर तो सख्त नीतर तो नरम। असं भी समझावे उन्होंने अकबर न, कहे थोड़ा ही पुत्र है, इन्हों पनिश ना करो, वो मुंडा है, माड़ी मोटी गलती हो जाती है लाइफ में, तुम भी कितने हुए, कितनी सारी गलतियां। बैरम खान तुम पनिश किया कि नहीं किया,
ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖੂਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ। ਅਕਬਰ ਕੋ ਦਾਦੀ ਨੇ ਖੂਬ ਸਮਝਾਇਆ, ਦਾਦੀ ਮਤਲਬ ਅਕਬਰ ਕੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਅਕਬਰ ਕੀ ਮਾਂ ਸਮਝ ਵੀ, ਅਕਬਰ ਸਮਝ ਵੀ ਗਿਆ ਚਲੋ ਖੂਨ ਕਾ ਘੁੰਟ ਪੀ ਗਿਆ ਕਾ, ਅੱਛਾ ਭੇਜ ਦੋ ਇਲਾਵਾ ਉਸਕੋ ਬੋਲੋ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਵਾੜ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਲੀਮ ਫਿਰ ਸੇ ਆਗਰਾ ਸੇ ਨਿਕਲਾ ਔਰ ਘੋੜਾ ਮੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਵਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇ ਵਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਲਗਾ। ਅਬ ਤੋ ਪਾਣੀ ਨਾਪ ਕੇ ਉੱਪਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਖੁਦ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਕਾ ਮੂਡ ਬਣਾਇਆ, ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਚਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਚਲਾ ਅਮੀਰ ਦਾਨੋ ਬੇਗਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਚਨੇ ਵਾਲੀ ਥੀ, ਕੋਈ ਥੀ ਉਸਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਲੀਮ ਕੋ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਅਕਬਰ ਮਤਲਬ ਹਮੀਦਾਬਾਦ ਦਾਦੀ ਕੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਆਇਆ ਥਾ, ਜਨਾ ਚ ਵੈਸੇ ਸਲੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਕਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਕਬਰ ਸਲੀਮ ਕੋ ਘੂਰੇ, ਸਲੀਮ ਅਕਬਰ ਕੋ ਘੂਰੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਨਾਜੇ ਕੇ ਪਾਸ ਰੇਂਗਤੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚਾ, ਬੋਲਾ ਪਾਪਾ ਸੋਰੀ, ਅਬ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੋਂ ਕਾਨ ਖੜੇ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਆਪ ਕੀ, ਆਪ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਤੇ ਹੋ, ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਮੇਵਾੜ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਮੇਵਾੜ ਚਲੇ, ਮੇਵਾੜ ਮੇਰੀ ਸਸੁਰਾਲ ਹੈ, ਅਬ ਮੇਵਾੜ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ, ਮੇਵਾੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭੇਜਤੇ ਹੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਤਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਵਾੜ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਰੇ ਜਾਣਤੇ ਵਹਾਂ ਸਭ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ, ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ, ਤੇਵਰ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਨਕੇ ਆਪਣੇ, ਬਚਪਨ ਸੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਬ ਤੁਮ ਦੇਖੋ ਮੇਵਾੜ ਭੇਜਤੇ, ਘੋੜੀ ਮੇਰੀ ਇਲਾਵਾ ਘੁੰਮ ਜਾਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਮਾਸ, ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਮਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਬਰ ਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਾਇਕ ਹੋਗਾ ਵੀ, ਕਿ ਨਾਲਾਇਕ ਥਾ ਹੀ ਔਰ ਨਾਲਾਇਕ ਰਹੇਗਾ ਵੀ। ਔਰ ਅਕਬਰ ਕੀ ਸਭ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਥੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਕੋ ਬਣਾਏਗੇ, ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਥਾ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਏਗੇ ਕਿਸ ਕੋ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਥਾ ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਥਾ ਖੁਸਰੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਗੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀਆਂ। ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਲੀਮ ਕੇ ਸੰਦਰਭ ਮੇਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਤਰਫੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਕਿਆ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਕੀ, ਸਲੀਮ ਨੇ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਅਕਬਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਕਾ ਉਲੰਘਨ ਕੀਆ। ਸਲੀਮ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਕੀ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੰਦੇਲਾ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਸਲੀਮ ਨੇ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਕੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। Oh shit. इसमें ये तो ऑप्शन तो गलत है, इसमें ये होना चाहिए कि क्या असत्य है।
मैंने बी लगाया ना, मैंने ये कहाँ लगाया? अरे भाई मैंने बी लगाया कि ए लगाया बताओ। ए बी सीरीज को कंसीडर कर लो, तो बी गलत, बी असत्य है ना। बीरबल की बीर सिंह बुंदेला द्वारा हत्या करवाई, ये असत्य है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। अबुल फजल की हत्या की सलीम ने ही की, बीर सिंह बुंदेला ने तो बस फॉलो किया उसके ऑर्डर को। ऑर्डर को सलीम ने ही दिया था ना, मनसा सलीम की थी, प्रॉब्लम सलीम को थी, बीर सिंह बुंदेला की अपनी कोई रंजिश नहीं थी उससे। वैसे करो असत्य पूछ रहा है ना, असत्य बी वाला असत्य है। एक असत्य कैसे है, सलीम ने अनेक बार अकबर की आज्ञा का उल्लंघन किया, ये तो सही है। अरे इसको मैं पूछ ही नहीं रहा सीक्वेंस, तुम क्यों देख रहे हो, छोड़ो इसको। एक ही बार कितनी बार बताया, एक ही बात। अब अगला है कि अकबर ने साम्राज्य विस्तार कैसे किया। मालवा का विद्रोह मैंने बताया है। मालवा का शासक है बाज बहादुर। 1561 ईस्वी में बाज बहादुर के खिलाफ अकबर ने अभियान किया। मालवा की राजधानी है सारंगपुर। इसकी पत्नी है रूपमती। रूपमती बड़ी सुंदर थी और ये दोनों बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी थे। अधम खां की हत्या तक मैंने बता दी, लेकिन ये तब की बात है जब अधम खां जिंदा था। इसकी हत्या की जिम्मेदारी अधम खां को दी गई और मुगल सेना जीत भी गई क्योंकि बहुत बड़ी सेना थी। अधम खां ने रूपमती को नाजायज तौर पर पाने की कोशिश की और ये शर्त रखा कि रूपमती अगर मिल जाए तो हम तुम्हारा राज्य छोड़ देंगे। बाज बहादुर ने मना किया और रूपमती ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। अधम खान ने बाज बहादुर की संपत्ति चुरा ली और यही वो केस था जो उसने अतका खान को भी बताया। और इसीलिए अधम खां की हत्या भी हुई थी। अकबर ने इसको बर्खास्त किया और पीर मोहम्मद को यहाँ का सूबेदार बना दिया। लेकिन पीर मोहम्मद अत्याचारी सिद्ध हुआ और जनता ने फिर से बाज बहादुर को गद्दी पर बिठा दिया। अकबर ने फिर मारवा पर आक्रमण किया और बाज बहादुर ने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया और इस तरह से ये केस सॉल्व हो गया। दूसरा है 1561 में चुनार। शेरशाह के ही टाइम से चुनार बड़े इंपॉर्टेंस का किला रहा है। 1561 में अकबर ने चुनार को जीता। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विजय राजस्थान की थी क्योंकि राजपूत किसी के कंट्रोल में नहीं आते थे। अकबर ने राजस्थान में भिजवाया एक रुका कि ऐसा है जो लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं उनका स्वागत है या जो लोग रिश्तेदारी करना चाहते हैं उनका भी। इसके पीछे अकबर के दृष्टि ये थी कि राजपूतों से दो संबंध हो सकते हैं, या तो राजपूतों का मुगल साम्राज्य के विस्तार में उपयोग किया जाए
थोड़ा सा नरम होकर के वो एक अच्छे मित्र साबित होंगे, जान की बाजी लगा देंगे, या उनसे जीवन भर युद्ध किया जाए तो हम सिर्फ उन्हीं के भर होंगे, युद्ध के से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अकबर ने पहली पॉलिसी को अप्रूव किया। आमेर का राजा भारमल कछवाहा वंश का राजपूत है। इसने सबसे पहले स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की और 6 फरवरी 1562 को भारमल की ही बेटी हरखा भाई या जोधा भाई इनसे अकबर की शादी हुई। इसी से जहांगीर का जन्म हुआ। भारमल का एक नाम बिहारी मल भी है। बिहारी मल को मुगल सेना में 5,000 का मनसबदार बना लिया गया। जोधा का भाई और भारमल का ही बेटा था भगवान दास, और इन्हीं का बेटा था मानसिंह। मानसिंह बहुत बेहतरीन म्यूजिशियन था। इसने किताब लिखी है मान कौतूहल। ये अकबर के नवरत्नों में से भी शामिल थे। कौन सी जॉब है ये, प्राइवेट है कि रेगुलर है, कैसी है? आमेर का दूसरा पड़ोसी है मेड़ता। कॉन्फिडेंस हमारी मान्यता से अधिक और कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस हमारी एक मान्यता है, और मान्यता दो तरह की हो सकती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। या तो आप सोचते हो कि आप कॉन्फिडेंट हो तो आप कॉन्फिडेंट हो, सोचते हो कि आप में कोई कमी है तो कमी है। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार पहली क्लास में गया पढ़ाने, तो एक क्वेश्चन मेरे साथ भी था कि क्या मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को फेस कर पाऊंगा। मेट्रो से मैं जा रहा था, श्यामलाल कॉलेज है सहादरा में, उसमें एक क्लास करनी थी। और यमुना नदी के ऊपर से मेट्रो गुजरी, मैंने नदी के नीचे देखा तो कुछ धोबी कपड़ा धो रहे थे नदी में। और यमुना दिल्ली की कितनी गंदी नदी है आपको पता नहीं, वो काला पानी, काला प्रदूषण की वजह से। उसमें व्हाइट कपड़े धुल करके बगल में सुखा रहे थे, वो ऊपर से दिखता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि काले पानी में सफेद कपड़े कैसे धो ले रहे हैं। और इनको ये नहीं लगता कि मतलब कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है, कपड़े साफ हो जाएंगे। तो फिर मुझे ध्यान में आया कि इसके बारे में सोचते ही नहीं, पानी काला है, व्हाइट है, क्या है, कुछ नहीं पता। पानी है, कपड़ा है, कपड़ा पानी को धुलता है, धो करके दे दिया। तो वहां से मैंने दो काम किए। पहला तो मैंने धोबी को कपड़ा देना बंद कर दिया, कपड़े में खुद धुलने लगा। और दूसरा मेरे दिमाग में आया कि मैं अगर सोचता हूं कि मैं ठीक हूं तो मैं ठीक हूं। और मैंने गया, पहले दिन बड़ा बेहतरीन लेक्चर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी। मुझे खुद नहीं पता था कितना बढ़िया लेक्चर मैं दे दिया। हाँ, पानी में दूर से ही बदबू आती है। तो इसलिए मेरा टिप है कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप बाई बर्थ लेके आते हो। आप मानो कि यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर नॉलेज, यू कैन स्पीक वेल, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब जैसे यहाँ मैं अकेडमी पे भारत के कोने कोने से बच्चे हैं यहाँ पे क्लास में, मैं ओपनली कहता हूँ कुछ भी पूछो, कहीं से पूछो, और आप पूछते हो तो मुझे लगता है कि मैं सेटिस्फैक्टरी आंसर भी दे पाता हूँ, क्योंकि आप लोग बताते हो कि हाँ संतुष्ट हो गए। वो इसलिए है कि मैं मानता हूँ कि मैं जानता हूँ। इसलिए अगर आप भी कॉलेज में पहली बार जा रहे हैं, पहला लेक्चर है, तो आप मानिए कि आप कर लेंगे। और अगर आप सोचेंगे कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये प्रॉब्लम है, ये गड़बड़ी है, ये कमी है, ये है, वो है, तो फिर परिणाम भी वही होगा। इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं, अच्छे से जाओ, धीरे बोलो, पुख्ता बोलो, और अपने टीचिंग को एंजॉय करो, एंजॉय योर टीचिंग।
तो मेड़ता आमेर का पड़ोसी है, ये कहता था कि मैं नहीं झुकूंगा, फ्लावर नहीं फायर है, झुकेगा नहीं। तो अकबर ने 1562 ईस्वी में इसको हरा दिया और इसका राजा था जयमल। तो झुकना ही पड़ा। इसके बाद गढ़कटंगा, यहां की एक विधवा रानी थी दुर्गावती, क्योंकि इसके पति अमनदास गोंड मर चुके थे और इमहोवा के चंदेल राजकुमारी थे दुर्गावती। दुर्गावती अपने अल्प वयस्क पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बिठा करके शासन कर रही थी, संरक्षिका की भूमिका में थी। अकबर ने असफ खां को भेजा बहुत बड़ी सेना लेकर के, और दुर्गावती 2 दिनों तक डटी रही, वीरता से सामना करती रही, लेकिन देखिए अल्टीमेटली इसकी पराजय सुनिश्चित है। तो इसने अपनी छाती में छुरा भोंक लिया और छुरा भोंक करके आत्महत्या कर ली। राखी भेजने वाली कर्मावती थी, वो हुमायूं को राखी भेजी थी। कर्मावती वाला एपिसोड मैंने हुमायूं के क्लास में बताया था, लेकिन अकबर को इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। तो इसको मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाया, था तो संवेदनशील व्यक्ति, और चंद्रशाह को यहां का राजा बना दिया। एक और राज्य था जिसके बारे में सभी जानते हैं, मेवाड़। सिसोदिया वंश के राणा सांगा के बेटे उदय सिंह ने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया था। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। तो चित्तौड़ का किला कई महीने तक मुगल सेना घेरी रही। वीर जयमल और फत्ता ने अकबर की सेना को अंदर घुसने नहीं दिया जीते जी, लेकिन राशन की कमी हो गई इसलिए छद से दरवाजा खोल दिया गया और अकबर ने किले के अंदर कत्लेआम का आदेश दिया। मुगल सेनाओं ने 30,000 मेवाड़ वासियों का कत्ल किया। ये अकबर के माथे पर एक कलंक है, क्योंकि इन 30,000 राजपूतों में किसान भी थे शामिल। ये बदनुमा दाग है। जयमल और फत्ता इतनी बहादुरी से लड़े कि अकबर ने आगरा का जब किला बनवाया है तो हाथी पर बैठे उनकी मूर्तियां गेट पर बनवाई। और महाराणा उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप किला तो फतह कर लिया गया, तो महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए और वहीं से गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। चित्तौड़ की जीत इतनी बड़ी जीत थी अकबर की, कितना खुश हुआ, मतलब वो लग रहा था कि जीत नहीं पाएगा, निराश हो चुका था। इस जीत से 1569 में इसने एक स्पेशल फतेहनामा जारी किया। एक फारसी किताब है मुनसात ए नमकीन, इसमें फतेहनामा का जिक्र। इसी के पास एक और इलाका है रणथंभौर। हाड़ा राजपूत थे यहां पे, सुरजन राय राजा थे, इन्होंने अकबर को समर्पण कर दिया। सुरजन राय बड़ा राजा था, एकमात्र ऐसा राजपूत राजा था जिसे अकबर ने तबवारा वाद्य यंत्र बजाने की छूट दी थी। छोटा सा तबले जैसा होता है, क्योंकि वाद्य यंत्र बजाना सिर्फ राजा जी को ही अलाउड था। मनसब मतलब
मनसुख का मतलब होता है पद, मनसुख का मतलब होता है रैंक, और पद पर जो बैठता है उसे कहते हैं मनसबदार। अकबर ने क्लास 1 से लेकर के क्लास 100 तक रैंकिंग सिस्टम कर दिया था, और इस व्यवस्था को अकबर कहता है मनसबदारी। मनसब में दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं जात, जात बताता है उसकी रैंकिंग क्या है, दूसरा है सवार, उसको राजा की सेवा के लिए युद्ध में घोड़े की टुकड़ी रखनी पड़ती है, तो 1000 जात या 1000 सवार ऐसे कहते हैं जात और सवार। सवार कभी भी जात से ज्यादा नहीं हो सकता। और एक मनसबदार को दो प्रकार की सैलरी दी जाती थी, या तो उसको लैंड दिया जाता था, जमीन, अगर वेतन के रूप में जमीन दी जाती थी तो उसे कहते थे जागीरदार, मनसबदार को ही कहते थे जागीरदार। अगर इसको कैश जमीन दी जाती, कैश सैलरी दी जाती थी, तो उसे कहते थे मनसबदार। मनसबदारी व्यवस्था को टाइम टाइम से थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, जैसे जहांगीर ने इस पे एक व्यवस्था लागू की, सी महा शीश महा, शाहजहां ने दो अश्वा शी अश्वा, औरंगजेब ने मशरूत जागीर, इसको हम मुगल कल्चर में पढ़ेंगे बाद। और अभी हमने फ्री क्लास ली है मुगल कल्चर की ना, वहां डिटेल में पढ़ाया। ओके, तो ये क्या बता रहे थे, इसके बाद नंबर आता है कलिंजर का, कलिंजर। में कलिंजर विजय, यहाँ का राजा था रामचंद्र, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। हाँ, जहांगीर ने दो अश्वा श्री अश्वा, शाहजहां ने सीमा शीश महा, और औरंगजेब ने मशरूत। फिर जोधपुर और बीकानेर, इन दोनों ने 1570 ईस्वी में, जोधपुर का राजा है मालदेव, उसका बेटा चंद्रसेन, और बीकानेर का है राय कल्याण, मतलब उसका बेटा रायसेन। भगवान दास ने इनको कहा कि क्या फायदा लड़ने से, तो इनको समझ में बात आ गई। कल्याणमल ने अपनी बेटी की शादी अकबर के साथ कर दी, और जैसलमेर के, जैसलमेर भी था कि राव लहर राय ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार करके अपनी बेटी का शादी अकबर से कर दिया। सनवी वो सब हम पढ़ाएंगे जब आपको मुगल कल्चर पढ़ाएंगे ना, फिर ओटीडी आपको मिलेगा। लेकिन इन सारे केसेस में राणा प्रताप का केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। जैसलमेर के राजा थे, इन्होंने अपनी बेटी की शादी अकबर के साथ कर दी, जैसलमेर भी मुगलों के अधीन हो गया, क्योंकि मेवाड़ का एक बड़ा किले पे तो अधिकार हो गया था, लेकिन मेवाड़ का राज्य जब तक महाराणा प्रताप समर्पण नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं माना जा सकता है कि मेवाड़ ने समर्पण कर दिया। और उसने एक नई राजधानी स्थापित कर ली, कुंभलगढ़। अकबर ने मेवाड़ विजय की जिम्मेदारी मानसिंह और असफ खान को सौंपी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें बदायूनी भी इस अभियान में साथ था। हल्दी घाटी की मुंतखब तवारीख बदायूनी की किताब है, जिसमें आंखों देखा विवरण बदायूनी ने लिखा है हल्दी घाटी का। और 18 जून 1576 को राणा प्रताप पराजित हुए, पराजित नहीं हुए, वो छुप गए। इसके बाद भी मुगलों का मेवाड़ पर अधिकार नहीं हो सका। राणा प्रताप की मृत्यु होती है 1597 को, फिर अमर सिंह शासक बनता है, और इसने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इस तरह से और भी जालौर, इधर वडवंडा, डूंगरपुर, बूंदी, सिरोही, इन सबको जीत लिया गया अकबर के द्वारा, पूरा का पूरा उत्तर भारत, गुजरात और बंगाल के अलावा। अब बारी थी गुजरात की। गुजरात जीतना 3 कारणों से अकबर के लिए जरूरी था। Okay, Bharmal Bhagwan Das and Mansingh was the grand flatterer of Akbar and destroyed the Rajasthan supremacy.
राजस्थान सुप्रीमेसी। फर्स्ट थिंग टू टेक इन टू कंसिडरेशन इज नेवर इन इंडियन हिस्ट्री राजस्थान वॉज सुप्रीम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज फार एज द सोवरेनिटी इन टू पैन इंडिया इज कंसिडर्ड कंसर्न्ड। सेकेंड थिंग इज इफ सम बिग कैलामिटी इज देयर टू डिस्ट्रॉय यू एंड यू हैव ओनली वन ऑप्शन दैट इधर यू हैव टू बी विद द फ्लो और यू यू विल बी डिस्ट्रॉयड। कोरोना आ गया या तो आपको वैक्सीन लेना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर करना है, सैनिटाइज करना है तो बच जाओगे, अदरवाइज मर जाओगे। तो ये बहादुरी है क्या कि कोरोना से मर जाए? अकबर वॉज लाइक लाइक कोरोना। एंड हियर द क्वेश्चन वॉज नॉट लाइक हिंदू एंड मुस्लिम थिंग काइंड ऑफ थिंग बिकॉज अकबर वॉज नॉट दैट मच ऑर्थोडॉक्स, नॉट दैट मच फेनेटिक एंड प्रो इस्लामिस्ट पॉलिसीज। दो ही बॉर्न इन द इस्लामिक फैमिली बट तीर्थ यात्रा में शूर माफ कर दिया, इबादत खाना, दीन इलाही, मजहर, तो वहां हम कहाँ देखते हैं कट्टरवादी कुछ नीतियां देखते हैं। तो मिस्टर नंदलाल, हाउ कैन यू से लाइक दिस, हाउ कैन यू स्टेट लाइक दिस? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। और कुछ कहना हो आपको तो बता दीजिए। मैं तो कहूंगा भारमल जी तो बुद्धिमान आदमी थे, अपना भार अकबर पे लाद गए। अब आती है बारी गुजरात की। प्रजा को मरने से बचा लिए और अकबर कौन सा आपका क्या नुकसान करेगा? अकबर खुद हिंदू घर में पैदा हुआ, पला बड़ा, राजपूतों के घर में ही पैदा हुआ था, इसीलिए तो जानता था कि राजपूतों से कैसे डील करना है। इस अभियान में ही सबसे पहले अकबर एक नाव पे बैठ करके समंदर में विहार किया। गुजरात विजय दो तीन कारणों से। वो जानता था। पहला तो गुजरात जीतना इसलिए जरूरी था कि यहाँ से व्यापार बहुत होता था और जो गुजरात जीत लेगा उसको टोल टैक्स बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा, गुजरात के रास्ते पुर्तगाली बहुत ही सक्रिय थे और तटीय इलाकों पे पुर्तगाली अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। अकबर को पता था कि इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और इनके माध्यम से हम समुद्र पर अपना आधिपत्य कर सकते हैं। और तीसरा, हज कि यात्री गुजरात से ही होकर के जाते थे, उनको पुर्तगाली तंग करते थे, तो हज की दृष्टि से भी ये जरूरी था। पंद्रह सौ 73 में इसने गुजरात को जीत लिया और इसी विजय की खुशी में आगरा के पास एक नया शहर बसाया, फतेहपुर सीकरी, यानी जीत का नगर। अकबर के टाइम में गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह थर्ड। ये अयोग्य व्यक्ति था और इसीलिए अकबर को गुजरात आसानी से जीतने का मौका मिला।
मुजफ्फर था थर्ड और इसका मंत्री एतमिद खां, इन दोनों में चल रही थी लड़ाई और इसी एतमिद ने अकबर को इनवाइट किया था गुजरात विजय के लिए। गुजरात विजय के बाद सूरत मुगलों के आधिपत्य में आ गया और इसी सूरत विजय के उपलक्ष्य में भगवान दास को अकबर ने एक निशान और एक नकारा ये प्रदान किया था। लेकिन जैसे ही अकबर गुजरात से वापस आए गुजरात में फिर विद्रोह हो गया और मात्र 11 दिन में यात्रा करके आगरा से अकबर फिर गुजरात पहुंच गया उस विद्रोह को दबाने के लिए। निशान का मतलब होता है राजकीय चिन्ह, नकारा एक वाद्य यंत्र है नगाड़ा टाइप का। स्मिथ ने 11 दिन में ही आगरा से गुजरात पहुंचा, इसको ऐतिहासिक द्रुत आक्रमण कहा है, ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण। लेकिन अकबर जैसे फिर लौटा फिर इस पर मुजफ्फर शाह ने गुजरात पर अधिकार कर लिया। इसी समय अकबर ने रहीम अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा विद्रोह को दबाने और सफलता से रहीम ने विद्रोह को दबा दिया। रहीम की ऐसी सफलता के कारण अकबर ने उसको खाने खाना की उपाधि दी। हेलो, हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर। खाने खा के मरने के बाद सर सलीमा ने कोई विद्रोह नहीं किया और अकबर से वो निकाह कर लेती है सर? देखो घरेलू झगड़ा था, सीरियल में दिखाया है उसका। मैंने अकबर के राज्य में बहुत बड़ा सपोर्टिंग रोल भी वो निभाती है सर। मैंने उसका बेटा भी पॉजिटिव होकर राज्य में रहता है, कभी भी वो विद्रोह नहीं किया है। सलीम करता है सर, लेकिन वो कभी नहीं करता है सर। जबकि मैंने उसके फादर मैंने पिता जो थे वो अकबर के चलते ही मर गए। हम ये जानना चाह रहे हैं सर, क्या इतिहास में दिखा नहीं गया है या ऐसा? आप तो अबुल फजल वाली पढ़े हैं ना सर, आईने अकबरी, या उसमें भी लिखा नहीं गया? बहुत डिटेल में चीजें लिखी गई हैं, अभी आईने अकबरी में यहाँ तक हम नहीं पहुंचे हैं। सलीमा बीच बीच से मैंने कुछ पढ़ा है। दूसरी बात यह है कि पहली बात तो बैरम खां अकबर की वजह से नहीं मरा, बैरम खां अपनी वजह से मरा, अपने अधिकारों का अतिक्रमण करने लगा था। ठीक है, अकबर ने उसको ऑप्शन दिया था, अकबर ने थोड़ी कहा था कि आपको मैं सस्पेंड कर दे रहा हूँ। अकबर ने ऑप्शन दिया कि या तो हज को जाइए, जो कि सभी जाते, हज को जाना एक बहुत पुण्य काम माना जाता है, मुस्लिमों के चार कर्तव्यों में से पांच कर्तव्यों में से एक। सर मैं तो नहीं जानती, लेकिन उसने कहा था कि मुझे छुड़वा दिया जाए, लेकिन उसने अकबर ने छुड़वाया नहीं था सर हज तक। एग्जैक्टली मुझे मैंने कहीं पढ़ा ही था, याद नहीं आ रहा है। तो मुद्दा क्या है, मुद्दे पे आओ ना। तो विद्रोह मुद्दा बस, विद्रोह करना चाहिए था उसको, रहीम को। अरे एज ए ह्यूमन नेचर तो सर सलीमा को भी विद्रोह करना चाहिए और रहीम को भी। तो मैं सिर्फ मुद्दा मेरी यही कि क्या हिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ते उसमें लिखा नहीं गया, आईने अकबरी पढ़े, इसलिए मैंने आपसे आज पूछा सर कि उसमें है कुछ। आईने अकबरी पूरा नहीं अभी हुआ ना मेरा। अच्छा सर, चल रहा है, इतना छोटी किताब थोड़ी नहीं है कि दिन में पूरा। अभी कुछ एपिसोड्स उसके पढ़े हैं, होगा जरूर। सलीमा ने क्या किया उस पर सीरियल में तो दिखाया है कि सलीमा एक बड़ी सुलझी भी है और अकबर की बचपन से ही जानती थी, अकबर उसको दीदी के रूप में मानता था, बड़ी दीदी अपनी कहता था, ये सब है। लेकिन सलीमा विद्रोह क्यों करेगी, क्योंकि बैरम का कोई राजा तो था नहीं कि उसका सिंहासन जो सलीम को हक मिलना चाहिए वो जो रहीम को मिलना चाहिए वो सलीम को दे दिया अकबर ने, ऐसा कुछ था नहीं। वो वकील सल्तनत था और वकील का बेटा फिर से इनको वकील बना दिया, इनको तो इनका अधिकार दे ही दिया ना फिर से। उसके विद्रोह का कारण कहाँ है, उत्तराधिकार तो थोड़ी छीना था। और सलीमा को जो बैरम खां पोजीशन दे सकता था अपनी वाइफ के रूप में और अकबर की वाइफ के रूप में, सलीमा का पोजीशन राज दरबार में उसे बेटर था। जो परवरिश बैरम खां दे सकते थे अकबर ने उसे बेटर परवरिश दी। जो औकात बैरम खां की थी अकबर की औकात उसे हजार गुना ज्यादा थी। जो इज्जत बैरम खां दिलवा सकते थे अकबर ने उसे हजार गुना ज्यादा इज्जत दिलवाई। सर करने का तो विद्रोह सलीम के पास भी कोई रीजन नहीं था, लेकिन विद्रोह किया ना। सलीम के पास विद्रोह करने का रीजन था, सलीम को किसी को ज्यादा ही पैम्पर करने लगोगे, ज्यादा ही प्यार करने लगोगे, ज्यादा ही सपने दिखाने लगोगे,
तो बाद में विड्रॉ नहीं कर सकते। शलीम इकलौता बेटा था और एक ही बच्चा बचा था उसका, उसी को राज्य सुपुर्द करना था उसको। तो शलीम को इतना ज्यादा परवरिश ऐसे किया गया कि वो सुल्तान ही है, वो बादशाह ही है। वो शलीम को ये जल्दी मच गई कि अभी तुम्हें युवराज और मेरा जो माइंड सेट है वो हमें इतना फीड कर दिया गया है कि मैं बादशाह हूँ, लेकिन मैं निर्णय अपने मन की ले नहीं सकता, वो निर्णय पापा लेते हैं। कहा तो मुझे जाता है, वो अपरिपक्वता की स्थिति थी, लेकिन जब वो जहांगीर के रूप में आता है तो फिर वो परिपक्व बन जाता है। लेकिन फिर नूरजहां उसको दूसरे तरीके से बदला लेती है और वो फिर से उसको अपना गुलाम बना लेती है। वो अपना जो बेसिक इंस्टिंक्ट था उसका वही रहता है, पहले इलाहाबाद अली के चक्कर में, बाद में नूरजहां के चक्कर में। और फिर मुगल उसके खुद उसके महावत खान ने विद्रोह कर दिया, उसके किडनैप कर लिया, इनफैक्ट उसको विद्रोह नहीं किया। पहली बार तो कोई बादशाह सेनापति के द्वारा किडनैप किया गया था, सूफियों ने विद्रोह किया, सिखों ने विद्रोह किया, उसी के टाइम से सिखों का विद्रोह, बंदी छोड़ राजा, ये सिख गुरु थे। अकबर के टाइम भी तो काजियों ने विद्रोह किया ही था, मैं ये यहां से। अकबर के टाइम में काजियों के विद्रोह का कारण ये था कि अकबर जजिया हटाया था, रूढ़िवादिता के खिलाफ काम कर रहा था। वहां पे अकबर गलत मार्ग पे नहीं था, लेकिन विलासिता के कारण तो विद्रोह नहीं हुआ ना, ये तो विलासिता के कारण जहांगीर का विद्रोह हो रहा है। अच्छा, तो विद्रोह की क्वालिटी में अंतर है। विद्रोह विद्रोह एक ही चीज नहीं है, बुखार बुखार एक ही चीज नहीं है। बुखार कैंसर से भी होता है और बुखार वैक्सीन लगवाने से भी होता है, लेकिन दोनों बुखार में अंतर, दोनों विद्रोह में अंतर, क्वालिटेटिव डिफरेंस है। ठीक है, थैंक यू। ये कहाँ पढ़ लिया नूरुल कि बैरम खां को महाराणा प्रताप ने हेल्प किया था? तो चलिए आज का ज्ञान इतना ही, बाकी ज्ञान हम कल बांटेंगे। ठीक है, टोडर मल ने अपना भूमि बंदोबस्त गुजरात से ही शुरू किया था। तो सभी को नमस्कार, शुभरात्रि। इस शत्रु कहीं पर विराम देते हैं और ये लीडर बोर्ड है आपका, रंजनी फर्स्ट, करणवीर सेकंड, सानवी थर्ड, संजीदा, शुभा, नीता, गुड़िया, राधिका, काजल, मीना। कल आपका वो है स्पेशल क्लास भी है, 4:30 बजे, 4 बजे नहीं है, 4:30 बजे, 4:30 बजे, 4:30 बजे, इसको नोट कर लेना। और 3 क्लासेज है कल।